बस शाम हो गई है, अभी मैंने बनाई है मैक्रोनी, तो बस बन के तैयार हो गई है। अरे बस आज खाने में बनाई है मैंने गोभी आलू, तो 2 घंटे से रखा हुआ है, इतनी हल्की गैस है ना, 5:30 बजे से देख के 8:15 हो रहे हैं, जबकि पक गई है हांडी। अब देखें रोटी का क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम तमाम यूट्यूब फैमिली को, और आप लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। और क्या कहते हैं, बस यही है कि क्या कहते हैं, सर्दियाँ ज़्यादा है, ठंड तो कुछ हवा चल गई है, और क्या कहते हैं, मुल्क के जो हालात हैं, जो न्यूज़ में और टीवी वगैरह में देखते हैं, तो अफसोस होता है। मतलब जो जो हो रहा है तो सही नहीं होता, मतलब वही वाली बात है कि बस कोई हुकूमत ही नहीं है। अल्लाह रहम ही करे जो भी आज कुछ चलता रहा। और क्या कहते हैं, आज है वो क्या कहते हैं, रूही बानो जो हमारे मुल्क का इतना बड़ा सरमाया है, थी बेचारी, उनका इंतकाल हो गया, 4 साल हो गए उनके इंतकाल को, तो बस यही अफसोस होता है। मतलब वो कितनी अच्छी खातून थी, उन्होंने पाकिस्तान के लिए कितना काम किया, क्या कुछ किया, और फिर देखें उनके साथ जालिमों ने क्या किया, मतलब किस कदर लोग बेहिस हो गए। मैं आपसे वही कहती हूँ कि इनका बस ना चले तो मुंह का निवाला छीलने गरीब का। मतलब कितनी अच्छी खातून थी, कितना काम किया, मतलब उनकी कदर करनी चाहिए थी, मगर फिर उनको किस हालों में, मतलब मैं टीवी पे यही देख रही थी, और क्या कहते हैं, मैंने कहा देखो कितना बुरा, कितना गलत हुआ उनके साथ आखिरी टाइम पे। उनके ना रिश्तेदार, ना चले ऑडियंस, रिश्तेदार तो खैर होते ही नहीं है, आम लोग भी, इंसानियत ही आजकल बिल्कुल मर गई है। इतना वक्त बुरा है ना कि वो हदीस याद आती है, जब अल्लाह के रसूल ने कहा था कयामत करीब होगी तो लोग जो है एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, और उनका दीन ईमान सिर्फ पैसा होगा। तो बस वही दौर है, कुर्बे करामत की निशानियां हैं, और मतलब बस उनकी लाइफ के बारे में देखा तो बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। क्या थी, कैसे क्या हो गई थी, कितना जुल्म किया, उनके बेटे को मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, फिर किस तरह से उनकी जिंदगी गुजरी, तो वो सबके सामने, मतलब बड़ा अफसोस होता है। ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए, उन लोगों की क्या, मतलब इतने बड़े लोगों की कदर नहीं होती, आर्टिस्ट की कदर नहीं होती, तो हम जैसे लोग गरीबों को तो जितनी जिल्लत मैंने उठाई है, या जितने बेचारे मैं देखती रहती हूँ अक्सर, तो जितनी जिल्लत उठाते हैं, जिस तरह धुपकारा जाता है, मतलब मेरी तो पूरी लाइफ है आपके सामने। मतलब जब मुझे कैंसर हुआ था, मैं हॉस्पिटल में थी, मतलब किस तरह जलील किया जाता है, मतलब सीधे मुंह तो बात भी देख लेंगे तो आपके रोंगटे खड़े होंगे, और आप ये कहेंगे कि हो सकता है आपको तौफीक खुदा ने दी हुई है, सब कुछ दिया, मगर आपका वो दिल नहीं है, शैतान रोकता है, या आप दुनियावी चीजों में उलझे हुए हैं, दुनिया बस दिखावा कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी भी ऐसे बन जाए, तो पाकिस्तानी बहुत अच्छी कौम है, बस सिर्फ जो है इंसानियत और क्या कहते हैं तरबियत का मसला है। तो बस यही है कि कदर कीजिए, अपने लोगों की कदर कीजिए, जो जिंदा हैं उनकी कदर कीजिए, और क्या कहते हैं इंसानों की कदर कीजिए, और जहां तक होना है इंसान को चाहिए हेल्प करे, अमीर गरीब नहीं, हर किसी का फर्ज है। बस ये यही मुझे कहना था, और क्या कहते हैं ब्लॉग ज्यादा लंबा, फिर मेरा मसला वही है मोबाइल का है कि ये हैंग हो जाता है, और जो बीमार है उन सबके लिए दुआ किया कीजिए, और क्या कहते हैं बस अल्लाह ताला सबको ईमान दे, सेहत दे, मोहे बरकत दे, सबकी मगफरत की दुआ किया कीजिए, और जो लोग जिंदा हैं अल्लाह ताला, जो लोग परेशान हैं और जो बीमार हैं उनको तो खास तौर पे सेहत से अदा करे,
और क्या कहते हैं, ईमान दे, क्योंकि सेहत होगी तो आप दीन भी करेंगे और दुनिया भी सीखेंगे, ऐसी बातें आप करेंगे। बस ये ईमान दे, सेहत दे, माँ बरकत दे, इसमें बरकत दे, अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर करे। और मैं यहीं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ, इंशाल्लाह कल मिलूंगी फिर एक नए ब्लॉग के साथ। इंसानियत की कदर कीजिए, इंसानों की कीजिए। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।